साथियों, नवजागृति YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सक्सेना। आज हिंदी आशुलिपि की 60 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन देने जा रहा हूं। स्टार्ट। महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है कि इस निर्माण से बड़े पैमाने पर जन साधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जन साधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी मामलों के
क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति जिसे मैं सक्रिय और स्वदेश तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर या समस्या आने पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और प्रत्येक समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ईमेल द्वारा प्रत्येक प्रश्न का आंसर दिया जाएगा।